ये देखो, वेलकम टू ध्रुव चौहान ब्लॉग्स। ध्रुव चौहान की हालत खराब है। कल कितने बजे आया रात में? 5 बजे। बंदा 5 बजे आया वापस। हम तो फिर भी टाइम पर आ गए थे, मैं और बुके फिर भी टाइम पर आ गए थे। हम कपल्स है ना, ये कपल्स आपने बाहर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। देखो हालत नहीं कितनी खराब हो रखी है। कल की रातें तो मुझे लगता है ब्लर होगी। वी स्टार्टेड आवर डे विद अ फ्रेशली ब्रूड कॉफी। हाँ बात पता है मेरे को, तो क्या दिक्कत है? अरे उधर भी है कॉफी, इधर भी थी कॉफी, कॉफी के देख लिया कॉफी। सो द लास्ट नाइट वाज एब्सोल्युटली फन। इट इज वर्थ टू कम एज इन बैचलर आल्सो। यार और ये रातें मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी, उम्र से ज्यादा ध्रुव नहीं भूल पाएगा। भाई कुछ ज्यादा चिलिंग ट्रिप नहीं हो गई हमारी? वो भागदौड़ वाला कुछ सीन है ही नहीं। तो आज हमारा फुकेट में लास्ट डे है। हाँ है, आगे क्या करना है भाई? कुछ नहीं करेंगे, बीच जाएंगे, अपना वाटर स्पोर्ट्स देखेंगे, सस्ता पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर अपन बीच पे ऐसे चिल करके। मुझे बीच बहुत अच्छा है ये वाला, उससे तो बहुत अच्छा है कमला वाले बीच से, पटोंग वाले बीच से। और फिर उसके बाद पटोंग बीच हम जा रहे हैं, उस दिन हम कैरोन बीच गए थे परसों। अच्छा हाँ, तो पटोंग ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा फुट मसाज कराएंगे क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर गए हैं कल वॉकिंग स्ट्रीट पे। वॉकिंग स्ट्रीट था क्या वो कल? बांग्ला रोड। हाँ बांग्ला रोड था। ओ भाई बांग्ला रोड और उसका क्राउड और उसके लोग, भाई यहाँ पर लोग इतने अच्छे ना, लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी तुम्हें काटने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन बैठ जाओ, दिल्ली से हैं हम। हमारी जेब से तुम 100 बात एक साथ निकलवा के दिखाओ, अनलेस उसमें अल्कोहल ना हो। तो भाई फन तो है यार, देखो कुछ भी हो। जैसे कि आज हमारा लास्ट, मैंने बोला कि आज हमारा डे लास्ट फुकेट का, कल हम फीफी आइलैंड जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी हम जाके पहले फीफी आइलैंड के लिए जो भी फेरी हमें करनी है वो भी बुक करने गए हैं। सुमित और पीयूष वो बुकिंग करने गए हैं। ऑल्सो वी आर प्लानिंग कि हम यहाँ से जब फीफी आइलैंड से वापस आएँ तो हम पटाया जाएंगे, और उसके लिए हमने ड्राइव हमने चूज़ करा है। तो हमें कार भी उसके लिए रेंटल करनी है, 4 दिन के लिए आगे कार रेंटल करनी है, वो भी करना है हमें। फन बीच में नहीं रुकेगा, और फन ही फन चल रहा रहेगा भाई, बहुत थके हैं। ग्लैमर नहीं, देखो ग्लैमर भी है यहाँ पे, ध्रुव भी है यहाँ पे, ग्लैमर की ऑडियंस भी है। हे भगवान, मतलब यार मतलब क्या तुम फालतू में दिल्ली में पैसा उड़ाते हैं? कुछ नहीं है, पैसा बचाओ। हाय लेना, मतलब कल कोई नहीं पूछा था क्या मैंने जॉर्डन पहन रखे हैं, या मेरे हाथ में गैस पहन रखा है, या मेरे पास कौन सा पर्स है? नो 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 नो। एंड स्पीकिंग ऑफ पटाया, द फन फैक्ट इज दैट इट इज नॉट पटाया, इट्स पत्या। इट इज पत्या, मीन माय होल लाइफ इज अ लाई, इट इज नॉट पटाया, इट्स पत्या। करती हमने कल के लिए फेरी कल के लिए फेरी करी, 9 बजे हमें लेके जाएगी फीफी आइलैंड के लिए, और अगले दिन 9 बजे वापस छोड़ेगी। और 2 घंटे लगेंगे हमें फेरी से फीफी आइलैंड पहुंचने। फिर उसके बाद हम जाएंगे पत्या, नॉट पत्या, पत्या। तुमने लोगों को बताया नहीं? बताओ ना, पहले दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ? हाँ बताओ, बीवी के बाद माननी क्यों चाहिए? सुखी जिंदगी अगर आपको जीनी है ना, तो बीवी की बात माननी चाहिए। तो पहले दिन हमारे साथ क्या हुआ, मैंने अपने पति से बोला था कि करेंसी एक्सचेंज करा ले। ही वाज लाइक, अरे एयरपोर्ट पे जाते थे, टेंशन क्यों लेना, कितने ज्यादा ले लेंगे, 2-3 हज़ार ही तो ज्यादा ले लेंगे। सो एयरपोर्ट पे चलता है स्कैम, ये आप ध्यान रखना, हम सुनाएंगे बात। तो वैसे एक्सचेंज रेट है भारत का इंडियन रुपीज से अभी 0.39 चल रहा है, 0.41 का है, पर 0.39 पे देते हैं, और वो देते हैं 0.18। हाँ। जहाँ पे आपको मिलने थे 16,000 बार, हमें मिले 7,000। ठीक है, तो ये हुआ हमारे साथ एयरपोर्ट पे। हाँ। और हमने भी इतनी जल्दबाजी में ना चेक ही नहीं करा कि वो एक्सचेंज रेट क्या दे रहे हैं। तो ये चीज का आप ध्यान रखें जब भी आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज नहीं करना है, मतलब पति को मेरे बड़ा अच्छा सबक मिला है, बीवी की बात कभी डाल देनी चाहिए। पूरी दुनिया को सुना दो, बेइज्जती कर दो, इंसल्ट कर दो। इंसल्ट क्या कर दो? मतलब ध्रुव की गलती है यार, मेरी गलती है ही नहीं, ध्रुव खुद मेरा काम कर रहा है। ध्रुव चौहान ब्लॉग्स, ध्रुव ने बोला था यहां से करो, ध्रुव चौहान ब्लॉग्स है ना, ध्रुव की गलती है। स्टैम्प रिपोर्ट इस चैनल, ध्रुव कह रहा है मेरे साथ क्या हुआ, फिर रहा था पीछे से।
ध्रुव कह रहा होगा ये क्या हुआ, मैं तो फ्रेश होने गया था, पीछे से पूरी गाड़ी चेंज हो गई। नुकसान में बैठे हैं अभी तक यार, वही वही हमारे पास अभी 20,000 होते हैं, 10,000 वाट होते हैं। अभी एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं होती, अभी हमारे पास 10,000 का फिर हमें सर गाड़ी का करना था, शॉपिंग करनी थी सर, 20,000 का झटका कवर नहीं कर पा रहा मैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, जब अभी हम जा रहे हैं KFC, क्योंकि हमने यहाँ सुना है क्योंकि हमने सुना है कि इंडिया से यहाँ KFC मच बेटर है, तो हम जा रहे हैं और बताते हैं कि बेटर है भी या नहीं। चलो KFC, और मम्मी KFC, चलो KFC। तो हम आए हैं ये कौन सी जगह है, जंगल, द जंगल, तो ये आए हम फुकेट के मॉल में KFC खाने। लेकिन अब और कुछ खाने का मन कर गया मुझे आके, कुछ भी, विद एवरीथिंग इज सो प्रीटी। आज के बाद मुझे तुम्हें मैसेज कर देना, और मुझे नहीं पता चला तू आया नहीं है। KFC आ गए हम, सो गुड थिंग इज दैट कि यहाँ की कोल्ड ड्रिंक में रिफिल होता है, ठीक है, अपने आप लो और लेते रहो। लोग कितनी पी सकते हैं इन्हें पता नहीं है, ये बुके से नहीं मिल रहे हैं, ये कितनी भी पी सकते हैं। अरे भैया ये तो 5 रुपए की सोडा वाला टेस्ट आ रहा है। तो मुझे बताइए पिंक सोडा तुमने क्यों लिया? Me and my preference is pink. Pinky, pinky, pinky. क्योंकि मासी के पास पिंक कलर का आईफोन है, तो मैंने सोचा पिंक ड्रिंक पीनी चाहिए। है मेरे लिए पिंक ही है, लाइक लाइक सच कहते हैं ब्लॉग में, अब तो झूठ कह रहा है अपने ब्लॉग में, सच्चाई साथ मिला। ओह माय गॉड, द फूड इज रियली रियली वेरी सेक्सी, देख के पता लग रहा है कि मजा आने वाला है। मैं खाती हूं नना भाई, बताऊंगी भैया बाद में, क्योंकि उसके नाम में भी KFC है। फुल फॉर्म मिला पर बढ़िया है, मजा आया। KFC खा के एग्जिट कर ही रहे थे कि मुझे दिख गई मेकअप की दुकान, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यहाँ से लेने चाहिए, बिकॉज बाकी तो मैं अपना स्टैंडर्ड मेकअप ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मिनी मिनी प्रोडक्ट्स लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, ये आई गेस सेफ भी होते हैं। तो मैंने ले लिया लेटेस्ट लैंड में, बहुत सारा सामान उठाया, और मैंने छोटी 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 क्यूट क्यूट चीज़ें उठाई जो मुझे यूजुअली इंडिया में नहीं देखने को मिली कभी भी। तो मतलब थाई ब्रांड था, मतलब मलेशियन ब्रांड था, कुछ ऐसा मुझे नहीं पता ना, मुझे समझ में नहीं आया, बस जो क्यूट क्यूट लगा मैंने उठा लिया, और अच्छा भी लगा। थैंक यू मोगी, वेलकम वेलकम। सो फाइनली अराइव एट द पेटोंग बीच, ये देखो इन दोनों की थकेली शक्ल, और ये लाइवली का बीच। ओके, पूरे दिन भर की थकावट के बाद हम जा रहे हैं तैयार होके पेटोंग बीच, ठीक है, लास्ट डे है, और मेरे पास कुछ ज़्यादा बताने के लिए, चलो ध्रुव और पीयूष से बात करते हैं। बाय द वे KFC वर्थ था, बाकी सारा पोर्शन तो ठीक था, लेकिन जो उसका जैब वाला था ना वो टेस्टी था। ये देखो दोनों जीजा साला, ओए आपका टैटू दिख रहा है ध्रुव, लेट जा लेट जा लेट जा, तेरा टैटू दिख रहा है। ये देखो दिस इज टैटू, तो मुझे पता है, मतलब मेरे को पता ही नहीं किसी ने का कैसे तो कर सकता हूं। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूं, दाओ टैटू की स्टोरी सुनो 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 सुनो, दो जोड़ी कपड़े में आया था इलाज में दिल्ली, और मैं अभी भी बता रहा हूँ मेरे पास और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो सेम सेम है। Same but the plan, no money, no honey. Good boy goes to heaven, bad boy goes to Bangkok. Hahaha.
मैं इतना मारूंगी। एंड दिस इज द मोमेंट जब ब्लॉग्स बनाते बनाते वाटर डैमेज, सी वाटर डैमेज। मसाज और अपन बैक करा के क्या मज़ा आया। मतलब अब मंतव तो फुल बॉडी ले लें, पर आपको पता है मेरा फ़ोन नहीं अवेलेबल है अभी तक, वो स्विच ऑफ पड़ा, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आपको आगे कंटेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम शूटिंग विद बुगा फोन। और ध्रुव बता सबको कैसा लगा भाई? कोई स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर मत जाओ, सब अपना इलाज करो। मासी आपकी सर्जरी करेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन मजा आ गया यार। क्योंकि और लोग पार्टीज करते हैं, बट थाईलैंड इज बेस्ट। कल करी, आज हमने करी रात में। गुड नाइट। तो आज हम खत्म करते हैं आज का। ये आज हम खत्म हो गए हैं, हम खत्म हो गए हैं। कल की कहानी, कल की कहानी कल के ब्लॉग में देखना।